वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इरेज खान, लेक्चर नंबर 96, चैप्टर नंबर 33, सेकेंड ईयर का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डी अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव टेन एक्स, टेन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो किसके बराबर है, sec स्क्वायर एक्स के। ये मालूम होना चाहिए हमें। एग्जाम्पल नंबर 4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक नया सवाल हमें दिखा गया, यू इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए दो वेरिएबल हैं, दो नंबर्स हैं, दो फंक्शंस, ये फंक्शन सही की है लेकिन दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 4x एक अलग वीडियो है, cos 4x एक अलग। जब ये दोनों के दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, y के बराबर बोथ साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव, साइन 4x cos 5x। प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई की कंडीशन में हमने u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ किया था। देखिए यहाँ पे साइन 4x u है, cos 5x v है। अगर हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करें तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। u इंटू वी में क्या करते थे, u बाई v का डेरिवेटिव बीच में प्लस फिर v बाई u का डेरिवेटिव। देख लेते हैं, देखें साइन 4x बाहर cos 5x का डेरिवेटिव बीच में प्लस, अब cos 5x बाहर साइन 4x का डेरिवेटिव। u इंटू वी का फॉर्मूला है साइन 4x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, मतलब x की जगह 5x है तो 5x। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा काम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। ये बात याद रखिएगा, डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तीन दफा होता है, एक दफा पावर के साथ, दूसरी बारी में विदाउट पावर, तीसरी बारी में एंगल। अब ये विदाउट पावर है, पावर है ही नहीं, तो ये सिर्फ दो बार होगा, एक बार तो हो गया माइनस साइन 5x, दूसरी बार में इसके एंगल का डेरिवेटिव 5x का, 5x का डेरिवेटिव प्लस का प्लस cos 5x डी अपॉन डी एक्स यानी इसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, cos 4x डी अपॉन डी एक्स फिर 4x का एंगल का डेरिवेटिव। साइन 4x माइनस का माइनस साइन 5x, 5 कॉन्स्टेंट नंबर का भाई निकाल दिया डी अपॉन डी एक्स, फिर ये x बचा खाली। इसी तरह प्लस cos 5x cos 4x डी अपॉन डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट नंबर था ये बाहर आ गया 4, फिर डी अपॉन डी एक्स। अब हमें मालूम है कि डी अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो टर्म हमारी क्या बनेगी, साइन 4x माइनस का माइनस 5 साइन 5x डी अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर। cos 5x 4 cos 4x डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 के बराबर है। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वही नंबर आता है, तो प्लस माइनस लास्ट लाइन में प्लस माइनस माइनस होगा, 5 वाइड साइन 5x साइन 4x फिर लास्ट लाइन में 4 प्लस का प्लस 4 बाहर आ जाएगा, एंड देन cos 5x cos 4x ये हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखते हैं। एक वैल्यू है साइन mx, दूसरी टर्म है साइन की पावर mx, m इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट y के बराबर लेंगे। ये पहली वैल्यू है साइन mx, दूसरी साइन mx यानी पावर लगी हुई है एंड देन x है। तो देखते हैं भाई, पहले यार इतना बाहर इस वाली का डेरिवेटिव फिर प्लस, अब यार इतना बाहर इस वाली का डेरिवेटिव, साइन mx एंड m शुरू में, m में से माइनस कर देंगे x का x। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये पावर के साथ डेरिवेटिव हुआ है, जैसे n शुरू में आता है तो n पावर होती है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर देंगे डी अपॉन डी एक्स फिर बगैर पावर के साइन एक्स, प्लस का प्लस साइन एम एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एम एक्स।
अब पावर नहीं आएगी, पहले पावर के साथ दूसरी बारी में विदाउट पावर, लेकिन यहाँ पावर है ही नहीं, तो इधर डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स। साइन एम एक्स एम का एम, साइन एम माइनस वन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, प्लस का प्लस, साइन एम एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। मैंने क्या बताया था, पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव होता, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव एम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। साइन एम एक्स एम का एम, साइन एम माइनस वन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन पावर एम एक्स, एम शुरू में आ जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर में बाहर आ गया, कॉस एम एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, पूरी की पूरी टर्म एज इट इज चलती हुई जाएगी, आखिर में डी एक्स अपॉन डी एक्स की जगह वन आ जाएगा, वन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर बनेगा। तो मजीद में देख दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, देखिए लास्ट साइड एम साइन एक्स एज इट इज, साइन एम माइनस वन एक्स सेम कॉस एक्स, प्लस एम साइन एम एक्स कॉस एम एक्स बनता कॉस एम। थैंक यू वेरी मच, इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।